एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोही की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी ब्लेसिंग से हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो थंबनेल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज का वीडियो है एक हॉल वीडियो। मैं आज एक बना रही हूँ मीशो ज्वेलरी हॉल और मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मीशो से बाय किया है, तो मैं आज उनको शेयर करूँगी आपके साथ। और जो लोग मेरे वीडियो को पहले भी देखते हैं उनको तो पता ही है कि मेरे घर है शादी कुछ दिनों में, और इसीलिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मीशो से बाय किए हैं। अभी तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी हैं जो अभी रिसीव नहीं हुए हैं मुझे, लेकिन जितने हुए हैं उनका हॉल वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मीशो एक रीसेलिंग ऐप है, यहाँ पे आप चीज़ों को खरीद सकते हैं और एट द सेम टाइम आप अपने कस्टमर को बेच भी सकते हैं। तो मैं चलिए दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगाई हैं। तो मैंने कुछ इतनी सारी ज्वेलरीज मीशो से ऑर्डर की हैं और मैं एक एक करके सारी ज्वेलरीज आपको दिखाऊंगी कि इसमें किस तरीके की। वैसे तो ये सारी ही ज्वेलरीज कुंदन की हैं, मैंने सिर्फ कुंदन की ही ज्वेलरीज मीशो से ऑर्डर की हैं क्योंकि मुझे कुंदन की ज्वेलरीज बहुत पसंद आती हैं। तो ये कुछ सेट्स हैं जिनको मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके के हैं। और ये सारे सेट्स की ही डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छी डिज़ाइन की गई है, तो मुझे लगता है कि आपको भी ये सेट्स बहुत पसंद आएंगे। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छे लगेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये सारे ही ज्वेलरीज के जो प्रोडक्ट कोड हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, और जो इनके प्राइस है वो मैं स्क्रीन पे जब ज्वेलरीज दिखाऊंगी तो वहाँ पे मेंशन कर दूंगी। तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी आपको और एक एक करके मैं ज्वेलरीज के प्राइस भी आपको बताती जाऊंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेट है ये किसी तरीके के बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ था। इसकी पैकेजिंग काफ़ी अच्छी थी तो ये काफ़ी सेफली मेरे पास पहुँचा, और मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसा है। मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद आया है, ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर सेट है। इसकी ये ग्रीन पर्ल्स हैं और ये कुछ इस तरीके का है, और ये रेड कलर्स की साड़ी लहंगे के साथ बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसके साथ हमें ईयरिंग भी रिसीव हुई है। तो मुझे तो ये सेट बहुत ही पसंद आया, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। इन सारे सेट के मैं प्रोडक्ट कोड मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको पसंद आए तो आप वहां से जाके इसको ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं। और इसकी जो ईयरिंग है वो भी बहुत ही सुंदर है, तो इस तरीके की कुछ इसकी ईयरिंग्स हैं। आप चाहो तो सिर्फ ईयरिंग ही इसकी पहन सकते हो, काफ़ी अच्छा लुक देंगी। तो ये था मेरा पहला ज्वेलरी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं दूसरा दिखाती हूँ, ये तो ऐसी बॉक्स में ही रिसीव हुआ था और इसको दिखाते हैं। और उस बॉक्स के साथ ऐसे कुछ बबल रैप्स रहते हैं, इसमें इसको रैप करके ऐसी प्लास्टिक के बैग में इसको पैक करके भेजते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका पैकेजिंग। काफ़ी सेफली ये ज्वेलरी पहुँच जाती है हमारे पास। और ये देखिए, ये कुंदन की क्वालिटी आपको ये इसके बैग से पता चल जाती है, क्योंकि कोई भी जो अच्छा ज्वेलरी कुंदन का जो सेट होता है उसके पीछे कुछ ऐसे मीनाकारी वर्क हुए रहते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि ये ओरिजिनल है। और ये देखिए, इसके साथ भी हमें इस ज्वेलरी के साथ भी मुझे ईयरिंग रिसीव हुई है, ये भी काफ़ी अच्छी है। इसको भी आप विदाउट नेकलेस भी पहन सकते हैं, आपको सिर्फ ईयरिंग भी पहनना हो किसी भी सूट के साथ या कोई भी ड्रेस हो, वन पीस हो, उसके साथ आप इसको पहन सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा दूसरा सेट पसंद आया होगा। अगर आपको ये भी सेट पसंद आया तो इसका भी कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको तीसरा ज्वेलरी दिखाती हूँ। ये एक मल्टी कलर की ज्वेलरी है। तो जो तीसरा सेट मैं आपके साथ जो तीसरा सेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो एक मल्टी ज्वेलरी सेट है। इसको आप किसी भी तरीके के ड्रेस पे पेयर कर सकते हैं क्योंकि इसमें मल्टी कलर्स हैं और ये मुझे बहुत पसंद है। आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन कौन सी ज्वेलरी सबसे ज़्यादा पसंद आई। वैसे मुझे तो लगता है आपको सारी ज्वेलरी पसंद आएंगी क्योंकि ये सारी सेलेक्टेड पीसेज हैं। तो ये है मेरी थर्ड ज्वेलरी और ये कुछ इस तरीके की है, इसमें बहुत सारे कलर्स हैं।
इसके साथ भी इयररिंग भी है, अभी मैं इसके बाद इयररिंग दिखाती हूँ। और देखिए इसमें ये कितने सारे कलर हैं, बहुत सारे कलर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कलर्स है, मतलब कि 10 कलर के ड्रेस पे आप इसको पहन सकते हैं। ये देखिए मैंने रेड कलर का ये कुर्ता पहना है, इसके साथ भी ये ज्वेलरी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप इसी से देख सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी कलर का ड्रेस हो इसमें से तो आप पहन सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगने वाला है। और इस ज्वेलरी का फ़ायदा ये भी है कि आप एक ही ज्वेलरी को कई सारे ड्रेसेस पे पहन सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसकी इयररिंग दिखाती हूँ। इसकी इयररिंग्स कुछ अलग से इस तरीके से पैकेट में आई थी। इस तरीके की है इसकी इयररिंग्स। इयररिंग्स में फिर सिर्फ ये ब्लू कलर का लगा हुआ है पर्ल। आई होप आपको मेरी ये थर्ड ज्वेलरी भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ चलते हैं। जो मैं नेक्स्ट ज्वेलरी आपको दिखाने वाली हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपने इस ज्वेलरी को देख रखा होगा। मेरी वीडियो में मैंने अपनी फ्रेंड के साथ एक वीडियो बनाया था, उसका मैंने मेकअप किया था, तो उसमें जो उसने साड़ी पहनी थी उस पर उसने यही ज्वेलरी पहनी थी। ये भी एक कुंदन की ज्वेलरी है और ये कुछ इस तरीके की है। ये पिंक कलर का सेट है और उसने ग्रे कलर की साड़ी पे कुछ पिंक फ्लावर बने थे उसी के साथ इसको वेयर किया था और बहुत ही सुंदर लगा था। मैं फ़ोटोज़ यहाँ अटैच कर दूंगी, आप देख सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी, आप जाके चेक करिएगा। इसकी इयररिंग भी बहुत सुंदर है। और इन सारे ज्वेलरीज का प्राइस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, आपको पता चल जाएगा, और कोड तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, तो वहां से जाके आप ज्वेलरी को लेना चाहो तो ले सकते हो। और इसकी इयररिंग्स कुछ इस तरीके की हैं। सारी ज्वेलरीज की इयररिंग्स बहुत ही प्यारी हैं, आप किसी भी कपड़े पे पहन सकते हैं इसको, किसी टाइप की भी ड्रेस पहनो आप, ट्रेडिशनल वेयर उस पर इसको वेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो चलिए अब ये था मेरा फोर्थ नंबर का ज्वेलरी सेट। अब चलते हैं लास्ट, लेकिन मुझे सबसे अच्छी ये जो मैं आपको लास्ट में ज्वेलरी दिखाने वाली हूँ मुझे ये लगती है। वैसे तो मुझे सारी ही ज्वेलरीज बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, इस ज्वेलरी में मुझे बस एक चीज़ अच्छी नहीं लगी कि इसकी पैकेजिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई थी। इतना महंगा सेट इन्होंने सिर्फ एक बबल रैप में रैप करके और एक बॉक्स में भर के दे दिया था, इस तरीके का कोई बॉक्स मुझे रिसीव नहीं हुआ था, तो इसलिए ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये भी एक कुंदन की ज्वेलरी है वाइट पॉल के साथ। इस ज्वेलरी में वाइट कलर के पॉल्स नीचे लगे हैं छोटे छोटे, ये देखिए। इसके भी पीछे कुछ ऐसे मीनाकारी वर्क हुआ है और सामने से ये ज्वेलरी कुछ ऐसी लगती है। इसको आप किसी भी तरीके के ड्रेस पे, कोई भी सिंपल एक कलर का ड्रेस है उसके साथ वेयर कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी ज्वेलरी है। ये है इस वीडियो का मास्टरपीस, क्योंकि इसको आप किसी भी तरीके के कपड़े पे पहन सकते हैं, इसके लिए कोई कलर चूज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक कलर की कोई भी ड्रेस है तो उसके साथ इसको आप पहन सकते हो, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसकी इयररिंग्स भी बहुत प्यारी हैं, अभी मैं आपको इसके बाद इसकी इयररिंग्स दिखाती हूँ। मुझे तो बहुत पसंद आई है ज्वेलरी, आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। तो चलिए मैं अब इसकी इयररिंग्स दिखाती हूँ। इसकी इयररिंग्स कुछ इस तरीके की है। तो ये मीशो के सारे ही ज्वेलरी मुझे बहुत पसंद आई, और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मीशो पे, लेकिन ये पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इन सबों को ऑर्डर किया है और यूज़ भी है आगे शादी में इन सब का। तो जब मैं वीडियोस बनाऊंगी इन सबको पहनूंगी तो आप वहाँ देख सकते हैं कि इसका लुक कैसा आएगा। और अभी इसमें से कुछ सेट ऐसे हैं जिनके फ़ोटोज़ मैं अटैच करने वाली हूँ, जो कि मेरी फ्रेंड ने पहना हुआ था, उसने भी ऑर्डर किया है सेम इसी टाइप की ज्वेलरीज, तो आप देख सकते हैं कि ये लुक वाइज पहनने के बाद कैसा लगता है।
तो ये थे कुछ प्रोडक्ट्स जो मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी इस हॉल वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक अपडेटेड रहे। और इसमें से कोई भी प्रोडक्ट्स आपको अच्छा लगा हो, कोई भी ज्वेलरी अच्छी लगी हो, तो इसका प्रोडक्ट कोड मेंशन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।